तो आज के इस वीडियो में हम पैसेंजर कार यूनिट, जिसे शॉर्ट में मतलब कि PCU कहा जाता है, उसके बारे में समझेंगे। और उससे पहले हम ट्रैफिक वॉल्यूम को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम आज सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम को समझते हैं। तो ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मेरे सामने काफ़ी अच्छा डायग्राम है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है, मान लो ये रोड है, ठीक है। अब ये रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन मान लिया। मान लो कि यहाँ पे एक लाइन खींच ली या यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, इससे ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे ये ट्रैफिक को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक काउंट कर रहा है, तो पर मिनट में मतलब कि कितनी गाड़ियां इस सेक्शन से पास हो रही हैं, इसको हम कहीं ना कहीं ट्रैफिक वॉल्यूम कहते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि सारी की सारी जो गाड़ियां हैं वो सेम है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस की बात करें, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन मतलब जो आप जनरली रोड पे देखते हो, कार भी चलती है, बाइक भी चलती है, ट्रक भी चलती है, मतलब ट्रक भी चलते हैं, तो सब कुछ चलते हुए आपको दिखते हैं, तो उसे हम मिक्स ट्रैफिक कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे वही है, ट्रक दिखा रखा है मैंने, बाइक दिखा रखा है, मोटरसाइकिल, कार भी दिखा रहा है। तो जब ये सारी के सारी गाड़ियां जो है एक रोड पे चलती हुई दिखेंगी, तो उसे हम मिक्स ट्रैफिक कंडीशन कहते हैं। अब ये हमने एक सेक्शन मान लिया XX, यहां से जो ट्रैफिक जो पास होगा पर मिनट में, उसे हम कहेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक लैंग्वेज में, हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखी है। इट इज़ अ नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी गाड़ियां पास हो रही हैं, उसे हम कहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। और इसे जनरली व्हीकल पर मिनट में एक्सप्रेस किया जाता है, या व्हीकल पर आवर में और व्हीकल पर डे में। अगर आप एक मिनट में काउंटिंग कर रहे हो तो व्हीकल पर मिनट में आएगा, अगर आप एक घंटे के लिए काउंटिंग कर रहे हो तो व्हीकल पर आवर में आएगा, और अगर आप एक दिन के लिए काउंटिंग कर रहे हो तो आपका ये जो मतलब कि जो आएगा ट्रैफिक वॉल्यूम, वो व्हीकल पर डे में आएगा। इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इस ट्रैफिक वॉल्यूम को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी। अगर आपको ट्रैफिक मतलब कि PCU को समझना है, पैसेंजर कार यूनिट को, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक वॉल्यूम को समझना कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम समझते हैं पैसेंजर कार यूनिट या पैसेंजर कार इक्विवेलेंसी, दोनों का मतलब कि नाम जो PCU और PCE है, दोनों कहीं ना कहीं सेम है। अब इसका मैं आपको पहले एक स्टोरी की फॉर्म में या मैं ऊपर हिंदी में समझा देता हूं और फिर मैं उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में जो यहाँ पर लिखा है वो चीज़ आपको मैं समझा दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा, काफ़ी मतलब आप ईजिली पेपर में या एग्जाम में लिख पाओगे। तो क्या होता है, जनरली जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। तो अब जैसे कि ट्रैफिक कंडीशन है जो कि हमने यहां पे देखा, यहां पे आपने देखा कि यहां पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। अब यहां पे एक पर्सन खड़ा है और वो इन ट्रैफिक को काउंट कर रहा है, ठीक है। अब उसे पूरे दिन खड़े होने के लिए, अगर वो पूरा दिन खड़ा होकर यहां पे ट्रैफिक काउंट करेगा तो पॉसिबल नहीं है। वो मतलब कि कभी कार जाएंगी, कभी बाइक जाएंगी जाती हुई दिखेगी उसे, कभी ट्रक जाता हुआ दिखेगा, तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो उस ट्रैफिक को काउंट कर पाए। तो इसलिए क्या है कि अब यहां पे ट्रैफिक काउंटिंग में हमें दिक्कत होगी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, इसलिए पैसेंजर कार यूनिट को लाया गया। और पैसेंजर कार यूनिट क्या है कि यहां पे हम हर व्हीकल को एक यूनिट दे देते हैं, कि अगर यहां से कार और टेंपो पास होता है तो उसका PCU 1 होगा, अगर यहां से मोटरसाइकिल पास होता हुआ दिखा तो 0.5 होगा, अगर यहां से बस या ट्रक पास होता हुआ दिखा तो PCU उसका 3 होगा, अगर साइकिल या रिक्शा पास होता हुआ दिखा तो उसका PCU 1.5 होगा, अगर कोई हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, आपने देखा होगा हॉर्स ड्रॉन व्हीकल जो घोड़े से के द्वारा खींचा जा रहा हो, उसका PCU 4 होगा, और कोई अगर स्मॉल बुलक कार्ट है उसका PCU 6 होगा, और कोई अगर लार्ज बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट मतलब आप समझ चुके होंगे क्या होता है, तो उसका PCU कहीं ना कहीं 8 होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट दे दी जाती है ताकि ट्रैफिक मेजरमेंट में, ट्रैफिक काउंटिंग में हमें इजी हो, और इस यूनिट के अकॉर्डिंग मतलब कि हम ट्रैफिक को काउंट करते हैं। अगर किसी का PCU कहीं पे लिखा है, मान लो ट्रैफिक काउंट किया गया और वहां पे PCU 1 आ रहा है, तो उसका मतलब वहां से कार और टेम्पू पास होती हुई दिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस चीज को हम इंग्लिश में समझते हैं क्या लिखा है मैंने, जो चीज मैंने आपको हिंदी में अभी बताई है ना, वही चीज यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखा हुआ, एक तरीके से आप नोट समझ सकते हो और इसको बाद में रेफर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है, अंडर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन,
कंडीशन, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन का आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन क्या होता है, जहां पे सारी मिक्स गाड़ियां चलती हो दिखे, आपको ट्रक भी चलता हुआ दिखे, कार भी चलता हुआ दिखे, बाइक स्कूटी जो भी चीजें हो। तो अंडर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द ट्रैफिक वॉल्यूम। अब जैसा मैंने बोला कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में काफी मुश्किल होगा कि आप ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट पर पाओ, ट्रैफिक डेंसिटी को या ट्रैफिक कैपेसिटी को, वही मतलब है सबका। तो उस ट्रैफिक को बेसिकली आप काउंट नहीं कर पाओगे मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में। तो हेंस ऑल क्लास ऑफ व्हीकल्स आर कनेक्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट, और इसलिए जितने भी डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल है, क्लास मतलब यही कार टेम्पो इनको क्लास कहा गया है, तो इसको एक स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसका नाम है पैसेंजर कार यूनिट। और यहां पे ये चीजें कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है कि पीसीयू क्या होता है, तो जो मैंने हिंदी में बताया आपको वो स्टोरी आप एक तरीके से लिख सकते हो, प्लस ये टेबल बनाना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने टेबल बना दिया तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, और सेमेस्टर एग्जाम में कहीं ना कहीं काफी हाई चांसेस है कि ये पूछा जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।